नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे YouTube चैनल रवि किरणा बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है, कहीं गया हुआ था बाहर घूमने। देखिए, मेरे पास कई सारे मैसेज आए हैं, मुझे लगा कि लाइव आके उनको बता दूं, पर क्या पता वो लाइव ना अटेंड कर पाए, तो मुझे लगा कि एक वीडियो ही प्रॉपर क्यों ना बना दूं। सबसे पहले एक भाई ने मैसेज किया कि सर, मैंने नई नई दुकान की है, अब जितनी भी मेरी डेली की सेल हो रही है, मान लीजिए मेरी आज की सेल है 5,000 रुपये, वो ये कह रहा है कि उसकी सेल डेली की जितनी भी हो रही है, अगले दिन नेक्स्ट डे वो उसी जो भी कुछ उसका सेल हो रहा है वो सामान ले आता है दुकान के लिए, तो बचत कैसे निकलेगी, उस भाई का क्वेश्चन था ये। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जब स्टार्टिंग में मैंने दुकान स्टार्ट की थी ना, नहीं था इतना सामान मेरे पास, मैं खुद कहता हूँ, जो आज आपको हरी भरी दुकान दिख रही है उस टाइम पर नहीं थी। तो जो हमारी बचत होती है वो हमारी दुकान के अंदर ही होती है। कैसे होती है, मान लीजिए मेरी सेल होगी एक दिन की 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, अगर मेरा बैकअप अच्छा है, फैमिली बैकअप अच्छा है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पारिवारिक खर्चा है, वो मुझे दुकान से ना निकाल के घर से निकालना, तो मैंने उस टाइम पे क्या किया, जितनी सेल होती थी उसी सेल का सारा सामान ले आता था, जितनी भी सेल हुई उसका 5,000 की हुई, 10 की हुई, ऐसे कैसे उठा के उसका सामान ले आया, लाता गया, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल। उसके बाद हुआ क्या, वो टाइम नोट कर लेना, जब आपने दुकान की वो चीज़ देखना अपनी दुकान में क्या क्या है, और जब 1 साल हो जाए तब देखना आपकी दुकान में क्या है, हरी भरी दुकान होगी, वो आपकी सेविंग है, वो आपकी बचत है। उस भाई को मैं बताना चाहूँगा कि वही आपकी बचत है, जो आप सामान ला रहे हो ना, उस बचत में से भी आप अपनी दुकान में सामान भर रहे हो, और उस चीज़ का फ़ायदा आपको बहुत मिलने वाला, क्योंकि दुकान वही चलेगी जिसके पास सबसे ज़्यादा सामान है, पूरा सामान है, और पूरा सामान तभी होगा जब आप उसको पैसे को कहीं बाहर इन्वेस्ट ना करके दुकान का पैसा दुकान में इन्वेस्ट कर दो। तो आपकी बचत वही है कि जो आपकी दुकान में सामान का माल वो भर रहा है ना, वही आपकी सेविंग है। अच्छा, दूसरा एक भाई का क्वेश्चन था कि सर, मैंने नई नई दुकान की है, मेरी दुकान चल नहीं रही, क्या करूँ। वैसे तो बहुत वीडियो बना रखी है मैंने इस टॉपिक पर एक बार और बता देता हूँ। देखिए, उसने नई नई दुकान की है, कुछ तकरीबन 2 महीने पहले की उसने दुकान की है, और अभी है सर्दियाँ। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि सर्दियों में सभी की दुकान की सेल कम हो जाती है। दूसरा, नई दुकान की, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उस चीज़ को छोड़ो यार, नई दुकान करने में, मान लीजिए मैंने अपनी दुकान की यहाँ पे कॉलोनी में, अभी सबको पता चलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। दूसरा, नई दुकान करने के बाद हमको ये नहीं पता होता कि इस कॉलोनी में क्या क्या डिमांड है, कौन सा कस्टमर को क्या क्या चाहिए, समझ गए, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। मान लीजिए कोई कस्टमर आता है, उसने कुछ ऐसा प्रोडक्ट मांग लिया जो अपने पास नहीं है, मैंने उसको नोट कर लिया, नेक्स्ट डे में मैं उसको ले आया, तो उस चीज़ को एक ही कस्टमर नहीं, मतलब पूरे लगा लीजिए कि जितने भी कस्टमर आते हैं सभी की यही प्रॉब्लम है, मतलब डिमांड है, प्रॉब्लम नहीं कहता कि भाई आपके पास वो माल नहीं है जो उनको चाहिए, तो वो चीज़ थोड़ा सा समझने में हमको टाइम लगता है कि यार इस जो जहाँ पे इस लोकेशन पे मैंने दुकान की ना, यहाँ पे कस्टमर की क्या डिमांड है वो अपने को लाना है। दूसरा, कई बार हमारी लोकेशन अच्छी नहीं होती, दुकान तो हम कर लेते हैं पर लोकेशन अच्छी नहीं होती, कस्टमर है लड़के करता, वहाँ दुकान पे कस्टमर आ जा रहे थे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं पीछे आ गया। तो मैं बात कर रहा था कि दुकान ना चल रही के क्या क्या कारण हो सकते हैं। उस भाई ने जैसे कि मैसेज किया कि 2 महीने हुए हैं दुकान के, तो दूसरा पॉइंट मैं बता देना चाहता हूँ, उस भाई को ही बता देना चाहता हूँ कि मैंने बहुत वीडियो बना रखी है इस टॉपिक पे। सबसे मेन जरूरी होती है हमारी लोकेशन, अगर दुकान की लोकेशन अच्छी नहीं होगी ना तो भी नहीं चलेगी, दुकान पे पूरा सामान नहीं होगा तो भी नहीं चलेगी। यार जब पूरा सामान नहीं है, एक कस्टमर आ गया और उसको 15 आइटम चाहिए, 15 आइटम में से आपके पास सिर्फ 5 ही मिले, 10 नहीं मिले, तो नेक्स्ट टाइम पे आपके पास नहीं आएगा, नेक्स्ट टाइम पे बाजार से या बड़ी दुकान से लेगा, तो दुकान ना चलने का दूसरा कारण ये भी हो सकता है। तीसरा बता दो, हम शुरू में करते क्या है, जैसे हमने दुकान कर ली, नई दुकान कर ली, और स्टार्टिंग में होता क्या है, हर कोई दुकान पे जाना चाहता है, नई दुकान पे, कोई भी कॉलोनी मोहल्ले में कहीं भी की है, बाजार में की है, भाई नई दुकान है, चल इस पे जाके सामान लेके देखते कैसा सामान है, बढ़िया सामान है या नहीं है, क्या रेट देता है। हम सोचते हैं कि कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं, स्टार्टिंग में आएंगे कस्टमर, कोई चीज़ ओन MRP पे है, जैसे मान लीजिए MRP है किसी चीज़ का 25 रुपये, पर मार्केट में वो मिलती है 20 रुपये की, 22 रुपये की, और हम उसको MRP पे ही बेच देते हैं, वो गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग में दुकान में शुरू में ना चलने का ये मेन कारण होता है, सबसे मेन कारण तो यही होता है कि शुरू में ही ना हम लूटने लग जाते हैं, ऐसा करना गलत है, जबकि होना ये चाहिए कि शुरू में तो हमें कुछ न कुछ बेनिफिट ना ही ले तो अच्छा है, 1 रुपया
हर आइटम पे बचाए ना 1 रुपया कह रहा हूं मैं तो ही काफी है। ये मान के चलना कि शुरू के 2-3 महीने तो हमें कुछ बचाना ही नहीं है। 2-3 महीने ये मान दो कि भाई शुरू में 2-3 महीने तो हम दुकान के ही नहीं है यार, ठीक है। इस चीज को लेके भी बड़े बात है कि सबसे मेन तो यही है यार कि हम ना सामान ना ओन एमआरपी पे बेच देते हैं और ये गलत है। कस्टमर को पूरा डिस्काउंट देना है स्टार्टिंग में 2-3 महीने, उसके बाद कर लो यार जो कुछ करना आप लोगों को, एक बार कस्टमर तो जोड़ लो। तो उस भाई को ये मैसेज बताना चाहूंगा, बात बताना चाहूंगा कि यार तुमने ऐसा अगर किया है तो अभी से थोड़ा सा और टाइम लगेगा दोबारा से कस्टमर जोड़ने में, क्योंकि वो कस्टमर दोबारा मुश्किल से आएगा, ठीक है। तो यही करना कि स्टार्टिंग में हमें जो भी भाई नई दुकान कर रहा स्टार्टिंग में हमें कोई बेनिफिट नहीं लेना है। तीसरा बता देता हूं मैं, जैसे कि मैंने माल के ऊपर बताया कि सारा सामान तो जरूरी है दुकान के ऊपर होना बहुत जरूरी है, उस सामान को डेकोरेट किस तरीके से करना है। दुकान ना चलने का ये भी एक रीजन हो सकता है कि हमारा सामान कुछ इधर पड़ा है कुछ उधर पड़ा, सारा सामान है हमारे पास, कुछ लोकल सामान ले आए यार, नई दुकान की और हम लोकल माल बेच रहे हैं कस्टमर नहीं आएगा। शुरू में ही ओरिजिनल ब्रांडेड माल रखो आप, माल आपका लोकल भी बिकेगा पर कब बिकेगा, जब एक बार आपकी मार्केट बन जाए तब बिकेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको लोकल माल बहुत कम रखना, बहुत ही कम, मैं तो कहूँ ना ही रखो। जब आपको यही करना है कि 2-3 महीने हमें कुछ ये सोचना है कि हमने दुकान ही नहीं की, तो 2-3 महीने हम ओरिजिनल माल क्यों नहीं बेचें, लोकल माल रखो, लेकिन इतना भी नहीं रखना कि भाई धड़ल्ले से वही बिकना शुरू हो गया फिर नहीं बिकेगा काम, फिर चलेगा नहीं। तो लोकल माल भी नहीं रखना, ओरिजिनल माल रखना, ये था उस भाई के लिए क्वेश्चन। और तो क्या है भाई, नहीं चलने का रीजन यही है, कंपटीशन बहुत है, हर दूसरे दुकान किराने की दुकान है। सही सी बात तो यही है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, हर किसी के दिमाग में यही आता है किराने की दुकान करनी है बस, बाकी उसको कंपटीशन में हमें किस तरीके से लड़ना है बहुत वीडियो मैंने बना भी रखी है। अच्छा तीसरा बता देता हूँ, ये क्वेश्चन और सभी का होता है, ये क्वेश्चन 99% ये क्वेश्चन सभी का होता है कि सर मुझे दुकान करनी है सामान कहाँ से लूँ, और कितनी वीडियो बना रखी है मैंने इस टॉपिक पे। जो पुराने व्यूवर्स हैं जो पुराने सब्सक्राइबर उनको सब पता है, लेकिन कोई अगर नया व्यूवर्स है तो मैं उनको बता देता हूँ किसी को नई दुकान करनी है स्टार्टिंग में सामान कहाँ से ले। देखो सामान हर सिटी में हर सामान का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, किसी भी शहर में चले जाओ दो दो डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे बड़े सिटी में, तो दो दो तीन तीन चार चार इतने बड़े अगर कोई बड़ी सिटी है, नहीं तो छोटा सिटी भी है तो एक डिस्ट्रीब्यूटर हर सामान का जरूर होगा। तो स्टार्टिंग में हमें सामान कहाँ से लेना है, डिस्ट्रीब्यूटर हालांकि सही बात है सामान सस्ता देगा, होलसेलर थोड़ा सा महंगा देगा। डिस्ट्रीब्यूटर अगर कोई प्रोडक्ट हमें 7 रुपये का देगा तो होलसेलर उसको 7.5 रुपये का देगा, 50 पैसे उस पर खा जाएगा। पर स्टार्टिंग में यार हमें यही नहीं पता डिस्ट्रीब्यूटर कौन किसका है। मेन चीज तो यही है कि हमें खुद यही नहीं पता कि नेस्ले का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, मैगी का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, आटे का कौन है, चीनी का कौन है, दाल का कौन है, या कॉस्मेटिक के आइटम है इसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। तो शुरू में सभी के लिए है जो शॉप करना चाहते हैं, एक बड़ा होलसेलर ढूंढिए, जो बड़ा होलसेलर है, छोटे मोटे को नहीं मैं कहूँगा, जो बड़ा होलसेलर है सिर्फ उसको ढूंढिए और एक बार में तो उससे भर लीजिए अपना सामान। फिर उसके बाद क्या होगा आपको पता चलता चला जाएगा कि इस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर, खुद पर खुद पता चल जाएगा। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर आपसे खुद आके आपकी दुकान पर कॉन्टैक्ट करेंगे दुकान होने के बाद, जो नहीं करेंगे उनसे फिर आप कर लोगे, क्योंकि थोड़ी जब आप इस लाइन में आ जाओगे ना आपको अपने आप पता चलता चला जाएगा इस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर ये है और इसका ये है, सबके कॉन्टैक्ट नंबर फिर अपने पास रखो और सारा माल आपकी दुकान पर ही आएगा। स्टार्टिंग में सिर्फ एक या दो बार होलसेलर से ले लो, उसके बाद आपको खुद पर खुद पता चल जाएगा। तो ये सिर्फ 3 क्वेश्चन थे जो मुझे लगा कि इनका रिप्लाई मुझे ज़रूर करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ 3 क्वेश्चन का जवाब मैंने अच्छे से दे दिया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक होलसेलर के पास, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था एक होलसेलर के पास जाके आपको बताऊंगा, और वो इससे अगले दिन यानी कि कल ही वो वीडियो पोस्ट कर दूंगा मैं, तो कल होलसेलर से मिलवाता हूँ आपको डायरेक्ट जाके, नहीं सॉरी होलसेलर बोल गया मैं, डिस्ट्रीब्यूटर से आपको डिस्ट्रीब्यूटर से मिलवाता हूँ कि कैसे कितना मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर हमें देता है और कितना उसको पड़ता है, क्या इसमें फायदा है कि नहीं डिस्ट्रीब्यूटर, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप करना चाहता है तो उसके लिए, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।